अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अपने चैनल पर आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज हमारा पब्लिक प्रोक्योरमेंट रूल्स के MCQs का आज हमारा दूसरा लेक्चर होगा। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी, इसमें मैंने ये टॉपिक्स डिस्कस किए थे। आज इन्हीं टॉपिक्स के मुताबिक हम जो है MCQs पढ़ेंगे। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये तमाम लेक्चर मेरे पसंद आ रहे होंगे। अगर इनमें कोई किसी भी किस्म का मसला है तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपके तमाम क्वेश्चन के आंसर देने की कोशिश करूंगा, तमाम सवालों का जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो चलते हैं, सबसे पहले आज हमारा MCQs है जी कि व्हेन देयर आर कन्फ्लिक्ट बिटवीन फेडरल गवर्नमेंट एंड इंटरनेशनल ट्रीटी अबाउट एनी ऑब्लिगेशन कमिटमेंट, देन इसका नंबर ए है हमारे पास के प्रोविजंस ऑफ फेडरल गवर्नमेंट शैल फॉलो, प्रोविजंस ऑफ इंटरनेशनल ट्रीटी शैल फॉलो, प्रोविजंस ऑफ लोकल गवर्नमेंट शैल फॉलो या नन ऑफ दीज। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास बी, प्रोविजंस ऑफ इंटरनेशनल ट्रीटी शैल फॉलो। नंबर दो क्वेश्चन है हमारे पास, कम्युनिकेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड टू प्रोक्योरमेंट्स ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट शैल इधर बी उर्दू और इंग्लिश और बोथ। नंबर टू उर्दू, नंबर थ्री पे इंग्लिश, नंबर डी पे हमारे पास नन ऑफ अबव। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास उर्दू और इंग्लिश आर बोथ ए, ये हमारे पास इसका करेक्ट आंसर है। नंबर थ्री पे हमारे पास है व्हेन प्रोक्योरमेंट एजेंसी इज आउटसाइड द टेरिटरीज ऑफ पाकिस्तान एंड प्रोक्योरमेंट इज मेड लोकली द प्रोक्योरमेंट एजेंसी में यूज। तो इसमें से हमारे पास ए आंसर है उर्दू लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, ऑल ऑफ अबव। तो आउटसाइड ऑफ सिटी होने की सूरत में हम जो है वैसे एग्रीमेंट होना चाहिए लोकल लैंग्वेज में, अगर लेकिन ओरिजिन डॉक्यूमेंटेशन जो है वो आप कर सकते हैं उर्दू में, इंग्लिश में या दोनों में होनी चाहिए। तो इसका आंसर हमारे पास बनता है डी। क्वेश्चन नंबर फोर है हमारे पास, व्हेन प्रोक्योरमेंट एक्सीडिंग द प्रिस्क्राइब लिमिट शैल बी सब्जेक्ट टू। तो नंबर ए है हमारे पास इंटेग्रिटी पैक, प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोक्योरमेंट, नेशनल प्रोक्योरमेंट्स रूल्स, ऑल ऑफ अबव। तो इसका सही आंसर है इंटेग्रिटी पैक्ट। नंबर फाइव है हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर दैट प्रोक्योरमेंट एजेंसी शैल कंसीडर ड्यूरिंग प्लानिंग। तो इसमें से हमारे पास ये फैक्टर है, नंबर ए हमारे पास है डिटरमाइन द रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्रोक्योरमेंट एजेंसी, नंबर बी पे हमारे पास डिलीवरी टाइम और कंप्लीशन डेट, बेनिफिट्स दैट आर लाइकली टू अक्रू टू प्रोक्योरमेंट एजेंसी इन फ्यूचर, और नंबर डी है हमारे पास ऑल ऑफ अबव। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑल ऑफ अबाउट डी। नंबर सिक्स हमारे पास क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर दैट प्रोक्योरमेंट एजेंसी शैल कंसीडर ड्यूरिंग प्लानिंग। तो कौन कौन से फैक्टर हैं जो प्रोक्योरमेंट एजेंसी कंसीडर करेगी ड्यूरिंग प्रोक्योरमेंट तो प्लानिंग के दौरान। तो ये हमारे पास नंबर ए है डिटरमाइन द रिक्वायरमेंट्स फॉर प्रोक्योरमेंट एजेंसी, डिलीवरी टाइम और कंप्लीशन डेट और बेनिफिट्स इन फ्यूचर, और नंबर डी है हमारे पास ऑल ऑफ अबव। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑल ऑफ दी अबव। नंबर सेवन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग लिमिटेशन अप्लाई ऑन दी प्रोक्योरमेंट एजेंसी, प्रोक्योरमेंट एजेंसी पर कौन सी लिमिटेशन अप्लाई होती हैं। तो इसमें नंबर ए हमारे पास स्प्लिटिंग और रीग्रुपिंग ऑफ प्रपोज प्रोक्योरमेंट्स, नंबर बी हमारे पास टाइम पीरियड ऑफ प्रोक्योरमेंट मस्ट बी लेस देन वन ईयर, नंबर सी पे है हमारे पास टाइम पीरियड ऑफ प्रोक्योरमेंट मस्ट बी मोर देन वन ईयर, और नंबर डी है हमारे पास ऑल ऑफ अबव। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास बनता है स्प्लिटिंग और रीग्रुपिंग ऑफ प्रपोज प्रोक्योरमेंट्स। नंबर एट है हमारे पास, स्पेसिफिकेशंस फॉर प्रोक्योरमेंट शुड बी जेनेरिक एंड शुड नॉट इंक्लूड रेफरेंस ऑफ ब्रांड नेम, नंबर बी हमारे पास मॉडल नंबर्स, नंबर सी है कैटलॉग नंबर्स, और नंबर डी है हमारे पास ऑल ऑफ अबव। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास बनता है ऑल ऑफ अबव। नंबर नाइन है हमारे पास, स्पेसिफिकेशंस फॉर प्रोक्योरमेंट डज नॉट अप्लाई ऑन। तो नंबर ए है हमारे पास पब्लिक सेक्टर एंटिटीज, प्राइवेट सेक्टर एंटिटीज, बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर एंटिटीज, नंबर डी है हमारे पास ऑल ऑफ अबव। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास ए, पब्लिक सेक्टर एंटिटीज। नंबर टेन है हमारे पास, इन केस ऑफ द डिस्प्यूट रेफरेंस शैल बी मेड टू द डेश रिटेन ऑन रिकॉर्ड। इस नंबर ए आता है हमारे पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंटेशन लोकल लैंग्वेज, डॉक्यूमेंटेशन इन बोथ लोकल एंड इंग्लिश लैंग्वेज, नंबर डी है हमारे पास ऑल ऑफ अबव। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंटेशन। नंबर 11 हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, ई पब्लिक प्रोक्योरमेंट इज न्यू इंसर्शन इन दी PPR 2004 एज ए रूल डैश।
मैंने ई पब्लिक प्रोक्योरमेंट जो है एक न्यू इंसर्शन है पीपीआर 2004 में, इसको ये कौन से रूल्स में आती है? रूल नंबर 7A में आती है कि 7 में आती है या 8A में आती है या 6 में आती है? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास 7A। नंबर 12 है हमारे पास द प्रोक्योरिंग एजेंसी मे कैरी आउट डैश प्रोसेस बाय यूजिंग इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आर डिजिटल आर इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। तो इसका नंबर ए है हमारे पास मैनुअल मेथड ऑफ प्रोक्योरमेंट, ई पब्लिक प्रोक्योरमेंट। नंबर सी है हमारे पास ई पब्लिक प्रोक्योरमेंट इन अ मैनर एज प्रेस्क्राइब्ड बाय अथॉरिटी। नंबर डी हमारे पास बोथ बी एंड सी। तो हमारे पास करेक्ट आंसर बनता है बी एंड सी, डी हमारा इसका करेक्ट आंसर बनता है बोथ बी एंड सी। नंबर 13 है हमारे पास ए प्रोक्योरमेंट एजेंसी शैल अनाउंस इन एन अप्रोप्रिएट मैनर ऑल प्रपोज्ड प्रोक्योरमेंट्स फॉर ईच। तो नंबर ए है हमारे पास फाइनेंशियल ईयर करंट ईयर एज एंड वैन प्रोक्योरमेंट इज रिक्वायर्ड, और नंबर डी है हमारे पास नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास, इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास ए फाइनेंशियल ईयर। नंबर 14 है हमारे पास ऑल प्रोक्योरिंग एजेंसीज शैल प्रोवाइड क्लियर डैश एंड डैश ऑफ पावर्स फॉर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ प्रोक्योरमेंट। नंबर ए है हमारे पास अथोराइजेशन एंड डेलीगेशन। नंबर बी पे हमारे पास फाइनल अथॉरिटी एंड क्लियर अप्रूवल। नंबर सी पे हमारे पास बोथ ए एंड बी, और डी है हमारे पास नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास ए क्लियर अथोराइजेशन एंड डेलीगेशन। दोस्तों ये थी हमारी वीडियो, उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। किसी भी क्वेश्चन की सूरत में आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है वीडियो में मेंशन होगा, आप उस पर हमें मैसेज कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं किसी भी क्यूरी की सूरत में। अस्सलाम वालेकुम, ये है हमारी वीडियो का एंड।